अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित और आक्रोशित प्रभाग क्रमांक 4 के नागरिकों ने सोमवार को महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिजली पानी ये इंसान की मूलभूत सुविधाओं में शामिल है जो हर नागरिक को मिलनी चाहिए। हालांकि प्रभाग क्रमांक 4 के नागरिक इन सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नागरिकों का आरोप है कि उनके इलाके में ना तो गटर लाइन है, ना ही साफ पानी की सुविधा और ना ही स्ट्रीट लाइट की सुविधा है। वही उनके नगर सेवक भी लापता होने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया, जिसके चलते रविवार को प्रभाग क्रमांक 4 के नागरिकों ने महापौर दयाशंकर तिवारी से जल्द इन चीजों का निवारण करने की मांग की, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। मेरा नाम बाबू खान है और ये जो पूरी बस्ती के जो लोग हैं, ये प्रभाग क्रमांक 4 मांजरा से लोग आए हुए हैं। इनके लेआउट में ना गटर लाइन है, ना रोड लाइन है, ना पानी की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट है। और जो बरसात का पानी जो अभी जमा है उसके कारण सांप बिच्छू इतने निकल रहे, टैंकर आ रहे, टैंकर फंस जा रहे, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, चलने को रोड नहीं है और लोग डेंगू से बीमार पड़े हुए। कोई भी प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। वहाँ के चारों नगर सेवक लापता है, इसीलिए आज हमने बैनर भी लेकर आए कि हमारे नगर सेवक लापता हो गए, ढूंढने वाले को हम 101 रुपये इनाम देंगे। और यहाँ पे हम दयाशंकर तिवारी जो महापौर है एनएमसी के, उनको हम लोगों ने निवेदन दिया है। उन्होंने अभी भी सिर्फ हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया है, वो भी यही आश्वासन कि आपको डेंगू मलेरिया के हम ये छिड़काव कर देंगे, लेकिन वहाँ रोड नहीं बना के देंगे, गटर नहीं बनाने देंगे, ऐसे जो आश्वासन हमारे को मिले। वो बोलते हैं कि आप है ना वहाँ पे NIT में लड़ो। हम लोगों ने कहाँ जाना चाहिए? ऐसे गरीब बस्ती के जो लोग हैं वो लोग किसको जाए? नगर सेवक साथ नहीं दे रहा, महापौर साथ नहीं दे रहा, तो इंसान जाए तो जाए का ऐसा विषय भी हमारे इसमें बन चुका है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे ठिया आंदोलन करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी वही लग रहा है कि इन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। प्रशासन जो सोई है कुंभकर्ण की, नहीं, इसको जगाने के लिए हमारे को जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा भी करना पड़ेगा, यहीं आके हम अपना घर बसा लेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में रहने के लिए भी जगह नहीं बची। नागरिकों ने इस दौरान नगर सेवक लापता है, ढूंढने वाले को 101 रुपए का इनाम मिलेगा, ऐसे बैनर बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।